NL05 में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि अगली आने वाली वीडियो को जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सकें। लूना 20 फाइल, पहले पता चला कि टेलीग्राम, टेक्निकल गड़बड़ी, फिर हुई दुर्घटना। आइए जानते हैं क्या हुआ चंद्रयान लूना 25 के साथ। मार्स को रूस ने चंद्रमा मिशन को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी में लगा है। इसका सरफेस क्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि एजेंसी ने बताया कि लूना 25 प्रोपल्शनल मैन्यूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, इस वजह से ही दुर्घटना हुई थी। लूना 25 का क्रैश होना रूस के लिए बड़ा झटका है। 1976 के बाद यह पहला मिशन था जो रूस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने कोई भी लूनर मिशन लॉन्च नहीं किया था। आइए दोस्तों, कहां हुई है चूक ये बताते हैं आपको। रोस्कोसमोस ने कहा कि लूना 25 की शुरुआती जांच के चलते मैन्यूवर के समय वास्तविक और अनुमानित गणना के विचलित हुआ था। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट एक ऐसी कक्षा में चला गया जिसकी अपेक्षा ही नहीं की गई, इस वजह से चांद से जा टकराया और क्रैश हो गया। एजेंसी की तरह से के साथ मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी बनाने को तैयार जारी है। बयान ये है कि 19 अगस्त को लूना 25 ने उड़ान कार्यक्रम के अनुसार इसकी प्री लैंडिंग अंडाकार कक्षा बनाने के लिए इसे गति प्रदान की थी। स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2:57 पर लूना 25 का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक हो गया, इस वजह से कोई भी संपर्क कामयाब कायम नहीं रहा, खत्म हुआ अस्तित्व। एजेंसी की तरफ से आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर यह बयान जारी किया गया। एजेंसी के मुताबिक डिवाइस की खोज करने में उससे संपर्क करने के लिए 19 और 20 अगस्त को किए गए प्रयास फेल हो गए। रोस्कोसमोस की मानो तो उपकरण एक ऑफ डिवाइस कक्षा में चला गया था, इस वजह से चंद्रमा की सतह से टकराकर क्रैश हो गया। उसका अस्तित्व चंद्रमा की सतह पर ख़त्म हो गया। रोस्कोसमोस ने यह कहा कि एक स्पेशल जांच आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगा। 10 घंटे तक नहीं हुआ संपर्क लूना 25 का, 10 घंटे तक संपर्क नहीं बना। फ्रांस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक और उल्कापिंडों पर अध्ययन करने वाले फ्रांस मार्चिस की मानो तो एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की रोस्कोसमोस के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस गड़बड़ी की वजह से लूना ग्लोब लैंडर बर्बाद हो गया। उनकी मानो तो निर्यान कक्षा समायोजन के द्वारा अर्प्त्यादिस्त लंबे इंजन और ओवरफायर ने चंद्रमा पर इसकी किस्मत को झील कर दिया। तकनीकी खामी के बाद करीब 10 घंटे तक लूना 25 के साथ संपर्क नहीं बना। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।